जय हिंद। अरे ससुरा गजवा हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। 62 की लड़ाई लड़े थे रूस के थल नौसेना प्रमुख माथा पी। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। किस पर हमला करने का? भारत पे। फिर से होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद तोरा करते हैं। अजब हाल है। भारत पर क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए। और 65 में भारत में पड़ गया सूखा, बहुत समस्या। और 62 की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू जब हारे, हर इंसान उनको कोसता था। भारत चीनी भाई भाई। इंदिरा गांधी भी पढ़ी लिखी, कोई भी बोलेगा ना एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं किया। लेकिन समस्या भाई, फिर हम आपसे भी पूछते हैं, नेहरू को छोड़िए, आपका विधायक पीटेगा एक तमाचा मार सकते हैं? नहीं मार सकते, ये गलती है। लेकिन हमरे बेच के तो मार दीजिएगा, नहीं समझे, दे दीजिएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं जी। अमर होके थोड़े आए हैं, अमर होके आए हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा मिर्जापुर मूवी में गोली, मुन्ना भैया गोली उसी को मारा है जिसने दोबारा पलट के नहीं चला है, मारे गुड्डू पंडित को मारे हैं। आम कितना भी पीला हो जाए, लोग दबा के चेक करते हैं पका है कि नहीं है, क्योंकि पता है कि दब जाएगा। और बेल, बेल कोई दबा के नहीं चेक करता है, पता नहीं नहीं दबेगा यहां पर, समझ आया कि नहीं। भारत की भी थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। अब यहाँ पे भारत में पड़ गया सूखा और 62 की लड़ाई में हम लोग बहुत बुरी तरह हारे। सेना का मनोबल एकदम टूटा था। पाकिस्तान ने कह दिया गुजरात का कच्छ मेरा है। यहाँ पे घुस गया सब पाकिस्तान वाला, यहाँ पर घुस गया। अरे बलवंत राय मेहता का जहाज मार के गिरा दिया सब। बलवंत राय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसे मार के गिरा दिया सब। ये बहुत बहुत बवाल हुआ यहाँ पर। लेकिन कच्छ करण खाली एरिया है, इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना पीछा दिया उन लोगों, मर गए सांप, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर 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 मार के भारतीय सेना पीछा दिया सब यहाँ कच्छ के रण में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। उसने कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत पाक युद्ध था, भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे, तो दूसरे कौन बोली सुनेगा। देर होशियार बनेंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, एयरफोर्स का यूज ना करेंगे, 20 साल जरूरत है तो 20 साल बोलेंगे, तो नहीं आ गया भाई। जब उसने कश्मीर पर आपके रेडी नहीं हुआ, कश्मीर पर जब रेडी नहीं हुआ तो तिब्बत में क्या रेडी हो गए, नहीं समझे। आपको भी कहना चाहिए कि हम उसमें अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर। तो पाक यहाँ पर कश्मीर, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने देखा कि तो बहुत दिक्कत की बात है। पाकिस्तान के पास कई फायदे थे, उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, या विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन, भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी, भारतीय जहाज में बंदूक लगा था और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सुन के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक, पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता था। पाकिस्तान का मनोबल सातवें आसमान पर, और भारत के सामने सब समस्या, 62 में बहुत बुरी तरह हारे थे, भारत में नेतृत्व की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री आए थे चुनाव से, तब अचानक है ना लाल मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू की, ये आए, एक सूखा पड़ा हुआ था, पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। पाकिस्तान ने देखा यही मौका है, पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ, कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंह तोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर एक के दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था, एक के दिन में उड़ा दिया यहाँ पे, और वहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर की इनकी हवा निकल गई, पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से। तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसके, उसमें ना मिसाइलें लगी थी,
और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगाए, जहाज को तैयार करना पड़ेगा, इसे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके पास वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी धाएं से, कोई जहाज नहीं उड़ता था उसके आगे डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवरजेट, स्टार फाइटर, सेवरजेट उस समय का सबसे उन्नत जहाज थे, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए। अब क्या किया जाए, भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सर। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया। किसको, नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया, रडार में, और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ, नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं थी, हमारे पास क्या था, मशीन गन लगा लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, दाएं दाएं मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, अब पिछवा से वो है तो घूमे के मारेंगे, इसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइलें। अब भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया, ऊपर भेजा, और इनको था कि तुम भागा ना, रडार में ये पकड़ा कर चल गए। नीचे से भारत ने बाकी के 10 नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया, इसे ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोचुओं को पता नहीं है, ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से इधर से, ले आइए इधर से, क्या हो गया सब, भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवाए हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायु सेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। इसे कहते हैं खौफ क्या होता है यहाँ पर, और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको, स्टार विमान, नाट विमान, यही होते रहेगा। अब समस्या समझिए, उस लड़कों के पास बहुत दुविधा है, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां सर जेत नहीं, दोनों हाथ में आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट, और इतना बेहतर शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई, इसलिए हमेशा याद रखिएगा हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी दुनिया, आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज, ये अब बहुत मॉडर्न जहाज है, अमेरिका का ही दिया है, और सेवर जेट भी किसका दिया था, अमेरिका के। और स्टार विमान भी किसने दिया था, अमेरिका ने, हीट सीकिंग मिसाइल अमेरिका, वेंडर मिसाइल अमेरिका, दो दिया यहाँ पे F-16, अभिनंदन लेके गए थे MiG-21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट टोंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको, F-16। अरे इसमें एक के को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका, स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई, अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का, आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा, लेकिन हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया, और किसको मारने के लिए, अब मारियो दिया उसको, वो तो दूसरा के ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे, हिम्मत देखिए उन सब के पास, इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आया, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखैया पीछे था, कोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा गया था। तो 65 के युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे, जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी, और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था, ये हकीकत है। तब पाकिस्तानियों ने अपना टैंक निकाला, भयानक सा टैंक भारतीयों को धोने के लिए, और दुनिया का सबसे खतरनाक पैटर्न टैंक था, जिसमें बम मारा जाता था तो झाड़ देता था इसे, बम मार, अमेरिका का पैटर्न टैंक था। कोई बात नहीं, अमेरिका तुम्हारी वेंडर मिसाइलों का टेस्ट हो चुका है, तुम्हारे सेवर विमानों का सेट हो चुका, अब बारी थी तुम्हारी किसकी, पैटर्न टैंक। और वो राजस्थान से लेके घुस गए सब पैटर्न टैंक, और पैटर्न टैंक को जब राजस्थान से लेके घुसे, सर हमारे पास कोई हथियारे नहीं था,
यहाँ खड़े थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद 62 की लड़ाई लड़े थे, उसमें भारतीय सेना को देखे थे, कहते कि एकरे बदला निकालेंगे। बोले तू आया ही पिटाएगा और जो 62 का बदला तोरे से निकालेंगे। वीर अब्दुल हमीद के सामने जब टैंक आए सर, पैटर्न टैंक को उधिया दिया यहाँ पर। उनके सेना में ये अफवाह फैल गया कि भारत के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो पैटर्न टैंक को मार सकती है, और पैटर्न टैंक इतना खतरनाक था कि उसके जो कमांडर थे उनको पूर्ण विश्वास था कि दुनिया में कोई भी पैटर्न टैंक को मार नहीं सकता। सबसे आगे अपने पैटर्न टैंक लेके चल रहे थे। मारा वीर अब्दुल हमीद, पहले उन्हें उड़ा दिया। सेनापति ये मर गए वहां पर। सेनापति मरने के बावजूद उस सेनापति ब्रिगेडियर की पत्नी हाथ में सफेद झंडा लेके जब भारत में आई थी ना, तेरे पति का लाश दे दीजिए, उनका जनाजा पढ़ना है, तो भारतीय सैनिकों ने पहले उसको चाय पिलाया था बैठा कर। और यही हिंदुस्तान में है जहां विदेशियों के आक्रमण से हमारी छतरानियों को जौहर करना पड़ा था। ये फर्क होता है एक इंसान और एक जानवर में। हम दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं। पहले चाय पिलाए थे बैठ के, और उनकी लाश न दिए थे, कहते इनका हम लोगों ने इज्जत से दफना दिया है यहाँ पर, और वापस उनको भेज दिया गया था। वही उन्हें कहा गया था कि मरे हुए बहुत टाइम हो गया, लाश को मत के छोड़ेंगे तो जानवर खा लेंगे। हम लोगों ने जनाजा पढ़ा के उनकी लाश को दफना दिया गया है। आप जा सकती हैं, हम आपको फिलहाल चाय के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। वापस वो चली गई। ये हम में और आप में भी होना चाहिए। दुश्मनी में हमें अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करना है। ये गौरव से हमेशा ये याद रखेंगे। हम तो ये भी चाहते तो गोली मार देते उसको, लेकिन इतिहास में कभी नहीं मिट सकते थे कि भारतीय सेना ने एक विधवा के ऊपर हाथ उठाया है। कभी नहीं हो सकता। तो इस बात में हमें गर्व होना चाहिए और हमें इस संस्कृति को हमेशा से बचा के रखें। उसके बाद अगले दिन से तो वीर अब्दुल हमीद के जो गोले बरसने लगे थे, तो वहां पे आरसीएल गन था, वो मतलब बहुत नॉर्मल बंदूक होता, टैंक को नहीं मार सकता था, लेकिन हर टैंक का कुछ कमजोर हिस्सा होता था, वहां वो हमला करते थे। लेकिन किस्मत कुछ और मंजूर था। भारतीय सेना का टैंक और वीर अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप और पैटर्न टैंक आमने सामने हो गए। दोनों ने एक साथ गोला मार दिया यहाँ पर। यहाँ वीर अब्दुल हमीद के चिथड़े उड़ गए, उनकी बॉडी भी अच्छे से नहीं मिली थी, कुछ टुकड़े बचे थे, वहीं उन्हें शहीद में दफना दिया गया। यहाँ धामूपुर गांव है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहां पर उनके आज भी वीर अब्दुल हमीद के याद में स्मारक बनाया गया है। इसके बाद भारतीय सेना का खून खोला, भारतीय सेना ने यहाँ नहर खोल दिया। नहर का पानी इतना बढ़ गया कि इतना पानी लग गया वहां पर, होगा टैंक जाम में फंस गया यहाँ पर। और उसके बाद हाल ये हुआ कि भारत ने 100 टैंक को मारकर गिरा दिया। इतिहास में पूरी एकमात्र भारत पाकिस्तान का सीमा है जहां आदमी का नहीं टैंकों का कब्र बना हुआ है। टैंक अभी भी है, टैंक का कब्र बना हुआ है, वहां स्पष्ट टैंक के लिखा हुआ है, पाकिस्तानी टैंक नंबर प्लेट के साथ। आगे ले जाओ यहाँ पर, इतना धूल धून के रख दिया था यहाँ पर। तो अब इसके बाद बच गई नेवी। तो नेवी के पास एक ऐसी जहाज थी, पानी वाली जहाज, जो बहुत सटीक मिसाइल मारती थी, लेकिन उसका ज्यादा रेंज नहीं था, जिसे कॉर्बेट कहते हैं, ज्यादा रेंज नहीं था। अब उसको कराची बंदरगाह तक ले कैसे जाए, तो भारत वालों को जुगाड़ का कमी है, या गाड़ी का इंजन फेल होता है, बांध के ले जाता है। तो भारतीय नौसेना ने उस मिसाइल मारने वाले जहाज को बांध के ले गए थे सब, कहां पर, कराची बंदरगाह पर। और कराची बंदरगाह के जितने भी जहाज थे सबको मार दिया था। पाकिस्तानी नेवी ने आदेश दिया अपनी नौसेना को कि समुद्र में मत जाओ, समुद्र में मत जाओ। रूस के थल नौसेना प्रमुख माथा पीट रहे थे कि यार मारा कैसे उसको, क्योंकि ये मिसाइल रक्षा करने के लिए, अब S-400 किस लिए है, रक्षा करने। अब ओकरा कोई ले जाके दूसरे पे हमला कर दे तो रूस नहीं करे, ये का किया रे तुम यार, रक्षा करने वाला ना मिसाइल है कि तुम्हारे ऊपर कोई मारेगा तुम मारना, कह के हम बता रहे ना कैसे बांध के ले गए थे और वहां ले जाके खड़ा कर दिए। और इसके और आया तो मार के गिरा दिया सर, मार के धो दिया। पाकिस्तानी नेवी का हालत खराब हो गया, कराची बंदरगाह से भाग गए थे वो लोग ग्वादर बंदरगाह पे छोड़ के, कह के भाड़ में जाओ। एयरफोर्स मराई, नेवी मराई, थल सेना मराई, सब मराई, फिर भी इन्हें गजवाए हिंद चाहिए। अरे चट्टो कहीं के तुमको कौन समझाए यहाँ पर। इसके बाद लाल बहादुर शाह, रूस जो था ये नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच में विवाद चल रहा था उस समय, सेम क्यूबा संकट चल रहा था। क्या चल रहा था, क्यूबा संकट। क्यूबा कहां, अमेरिका के पास है, क्यूबा संकट चल रहा था। नीचे भीड़ लग गया है बैच का, लगने तो यहां पे अभी मार चल रहा है, यहां खत्म कैसे। तो मार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, हमको लगता है हमको सेना में छाटा था सब, इसीलिए बोलता है तुम बहुत बोलता है। हम रहते वहां पे ना, हम मार करा दिए रहते, बाद में जो सोचा कूद जाते, हम मराते तो पीछे सेना आईबे करती, आई हो गया, जम गया, बजर गया यहाँ पे, बात खत्म यहाँ। अरे आज नहीं तो कल तो मराना ही मराना,
मरा जाए आदमी, कौन दिक्कत है यहाँ पे? कौन मर आदमी 70 साल जी के क्या कर लेगा? ये बता ना, बेड पे मरोगे, बेड नंबर 36 मर गया, क्या फायदा है यहाँ पे बुढ़ौती में मर के? पता अगर यही की बुढ़ा मरता नहीं है यहाँ, बेहतरीन है ना यहाँ पे? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। मार तो चीन, चीन चाहता नहीं था, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर था क्यूबा संकट, यहाँ क्या था क्यूबा, रूस ससुरा यहाँ आके परमाणु बम लगा दिया था, किसको मारने के लिए? अमेरिका को, और अमेरिका तुर्की में आके परमाणु बम लगा दिया, किसको मारने के लिए? रूस। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, अब रूस चाहता था कि दूसरे जगह पे युद्ध ना हो। पाकिस्तान किसका साथ दे रहा था? अमेरिका किसका साथ? पाकिस्तान। रूस किसका साथ दे रहा? भारत। तो इन दोनों के बीच में ताशकंद में समझौता पहुंचा गया, भारत लाहौर तक कब्जा कर लिया था। ताशकंद समझौता में रूस ने भारत का साथ नहीं दिया, वो केवल कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता था, और लाल बहादुर शास्त्री पर सारे लोगों पर दबाव बनाया गया, इतना दबाव बनाया गया, कई बार ऐसे भी हो गया आपको बैठा के बीच पूरा गाँव दबाव बनाएगा, मजबूरी में साइन करना पड़ेगा। ताशकंद समझौता साइन किया गया और कहा गया कि जो जहां पे कब्जा किया है वापस कर दे। तो पाकिस्तान से कब्जा कुछ ही हुआ और हम लोग से लाहौर, और हमारे सैनिक भी ज्यादा शहीद हुए थे भाई, हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारे शहीद, जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए एक संवेदना होती है, लेकिन हाँ मरेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, शहीद होंगे अजर अमर रहेंगे। हमारे सैनिक कभी नहीं मरे, वो शहीद हुए अजर अमर रहे यहाँ पे। तो हमारे सैनिकों ने शहादत दी थी, हमें लॉस हुआ था, हम कराची तक, हम लोग लाहौर तक चले गए थे, युद्ध नहीं खत्म हुआ रहता ना, बीच में समझौता नहीं होता, हेल के हम लोग तो ईरान घुस गए रहते यार, पाकिस्तान को हाथ छोड़ो ना यहाँ पर। तो बाद में समझौते से दोनों को अपना जगह वापस लौटाना पड़ा। जब साइन हो गया तब लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर दबाव था, रूस का दबाव था, इनका दबाव, ये बेचारे साइन कर दिए कि अब हम लोग वापस लौटेंगे, अपनी सेना से लौटेंगे। और देखिए लाल बहादुर शास्त्री साइन करे ना करे, बीच में हस्तक्षेप होता, वापस लौटना ही पड़ता, थोड़ा समय लगता लेकिन लौटना पड़ जाता, क्योंकि यूएनओ कहता है कि आप दूसरे देश को कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को ये इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस इंसान को समझिए जो अपने देश में नहीं है, दूसरे देश में उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद नामक शहर में बैठा है, पूरी दुनिया उस पर दबाव बना रही है, पागल हो जाएगा वो इंसान। और उसके ऊपर जब किया गया तो भारतीय मीडिया ने छाप दिया, भारत के लाल, लाल बहादुर शास्त्री को लाल कहा जाता, भारत के लाल ने ताशकंद में भारत को बेच दिया। बेचारे लाल बहादुर शास्त्री साइन किए और रूम में गए, हार्ट अटैक से मर गए, वही मर गए, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मौत विदेश में हुई है। बहुत कीमत चुकाए हैं हम लोग इस देश के लिए। 62 की युद्ध नेहरू की जान ले गया, 65 का युद्ध लाल, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। वही व्यक्ति था कहने वाला जय जवान जय किसान, उनके कहने पर किसानों ने बमबारी के बीच भी हल नहीं रोका था, कश्मीर में खेती चालू थी, पंजाब में किसान खेती में लगा था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति था जिसने कहा था जय जवान जय किसान। किसानों ने कहा था कि अगर सैनिक बंदूक चला सकते हैं तो हम हल चलाएंगे, अगर हमारा हल रोकना है तो बंदूक रुकवाइए, ना हल रुकेगा ना बंदूक रुकेगी। हार तो होना फिक्स है, पाकिस्तान हार भी गया था, लेकिन यहाँ पर रूस हम लोग को अपना मित्र माना नहीं था। लेकिन 1966 के बाद रूस को लगने लगा कि नहीं, भारत किसका साथ देगा? रूस का। उसके बाद रूस हमारे फेवर में आया और 1971 में रूस ने माफी मांगा था, कहा था कि जो 65 में गलती हुई थी उसका सूद समेत 71 में लौटा देंगे। और 71 में जब अमेरिका अपना परमाणु बम लेके आया तब रूस पहले खड़ा हो गया, मार हमको यहाँ पे। तो कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते बिगड़ते रहते, ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इसमें हर तरह की आपको नॉलेज होना चाहिए। अब समय का अभाव है।